प्यारे बच्चों, मैं योगेश तिवारी आप लोगों के सामने कॉम्पिटेटिव फिजिक्स डिस्कस करूंगा। जो हमारा कॉम्पिटिशन का है, चाहे वो नीट का है, चाहे वो आईआईटी का है, दोनों के लिए या बोर्ड क्लासेस हैं, तो सभी में हम जो डिस्कस करेंगे इसमें, सबसे पहले एक्चुअल में हम 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले, तो 12th की फिजिक्स में हमारी जो पहली यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअल में अगर टोटल देखा जाए तो 12th वाली जो फिजिक्स है उसमें हमारी टोटल 10 यूनिट होती है। पहली यूनिट होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी होती है मैग्नेटिज्म, चौथी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, और पांचवी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। छठी यूनिट हम इसमें ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी 7th यूनिट, दैट इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अगली जो यूनिट है दैट इज द एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फिर सेमीकंडक्टिंग डिवाइस एंड कम्युनिकेशन। तो इसमें जो शुरू की हमारी पांच यूनिट है, तो शुरू की पांच यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होती क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ चार्ज। जैसे मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से शुरू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, चार्ज की हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं? चार्ज की हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज मूव कर रहा हो। अगर मान लीजिए चार्ज रेस्ट में है तो उसकी स्टडी करेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। किस में करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर मान लीजिए चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी स्टडी की जाएगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की चर्चा करें तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को फिर हमने दो पार्ट में और बांट रखा है। कैसे? कि अगर मान लो चार्ज मूव कर रहा है विदाउट एक्सेलरेशन, मान लीजिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। दूसरा, अगर चार्ज मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब कि जब चार्ज की मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है, और दूसरा जब चार्ज की मोशन में एक्सेलरेशन है। अगर चार्ज की मोशन में एक्सेलरेशन नहीं है तो वो हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट में। अगर चार्ज की मोशन में एक्सेलरेशन है तो उसकी स्टडी की जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। बेसिकली जो 5th यूनिट है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है, और उसमें हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे कि जब चार्ज में एक्सेलरेशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, ये बहुत सारी चीजें हम 5th यूनिट में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो पहली जो यूनिट है 12th की फिजिक्स की, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले यहां पर मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूं। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्ज, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। तो इसमें बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, एक साइंटिस्ट हुए थे थेल्स, ये ग्रीक के साइंटिस्ट थे। तो थेल्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? उनको एक येलो कलर का सब्सटेंस मिला, दैट इज द अम्बर, यानी एम्बर। तो येलो कलर के सब्सटेंस में उन्होंने देखा कि अगर हम एम्बर रॉड को, वो येलो कलर की एक रॉड होती है, अगर हम उसको रॉड को रब करें, और रब करने के बाद अगर उस रॉड को हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो वो टुकड़े उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब उन्होंने सोचा कि इसमें ऐसा क्या है कि भाई रब किया, रब करने से इसके अंदर ऐसी क्या चीज आ गई कि जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। अगर रॉड को रब नहीं किया और उसके बाद, उससे पहले अगर मान लो हम उसको लेकर के जाते हैं, रब करने से पहले अगर रॉड को हम कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो कागज के टुकड़े अट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन जब रॉड को रब किया है और रब करने के बाद जब कागज के टुकड़ों के पास ले गए, तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े उस रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुए। उनके माइंड में आया कि यार ऐसा इसमें क्या हो गया कि मैं रॉड को रब किया और रब करने से इसके अंदर कुछ ऐसा आया जिससे कि कागज के टुकड़े अट्रैक्ट हुए। तो बस उसी से आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कवरी शुरू हो गई। यानी सबसे पहले जो शुरुआत करने वाला जो साइंटिस्ट था वो थेल्स था, और उसने अंबर यानी कि येलो कलर के सब्सटेंस की एक रॉड होती है, उसमें इसने इस प्रॉपर्टी को देखा कि जब रॉड को रब किया तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और जब रॉड को रब नहीं किया तो कागज के टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए थे। तो हमारे सामने पहली बात क्लियर है कि हु वाज डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहला हमारा क्वेश्चन बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाज डिस्कवर्ड बाय थेल्स इन अंबर, ये येलो कलर का सब्सटेंस होता है। दूसरा, भाई ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कवर हो गई कि भाई थेल्स ने डिस्कवर किया, तो अब आगे बात आई कि भाई ऐसा क्या आया रॉड के अंदर जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े अट्रैक्ट होने शुरू हो गए। तो उस चीज को जो उसके अंदर फ्रिक्शन से आई, उसको चार्ज बोला गया। क्या बोला गया? चार्ज बोला गया कि भाई चार्ज यानी कि रॉड को रब किया, यानी कि फ्रिक्शन लगाया, और फ्रिक्शन लगाया तो रॉड में चार्ज आ गया। उस चार्ज की वजह से जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो रॉड की तरफ अट्रैक्ट हुए। अब चार्ज
क्या है मैं आपको आगे डिस्कस करके बताऊंगा कि भाई क्या चार्ज है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा, चार्ज कितने टाइप का होता है, किसने चार्ज को डिस्कवर किया, मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। थेल्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कवर किया, चार्ज को डिस्कवर नहीं किया। चार्ज को डिस्कवर करने वाला था डूफे, DUFAY, कौन था? डूफे। डूफे ने चार्ज को डिस्कवर किया। अब चार्ज कितने टाइप का होता है, इसके बारे में अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है कि चार्ज दो टाइप का होता है। चार्ज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को उसने पॉजिटिव चार्ज कहा, दूसरे को उसने नेगेटिव चार्ज कहा। उसके माइंड में आइडिया क्या, कैसे आया कि दो टाइप का चार्ज होता है? उसने देखा था कि जो फोर्स लगा वो दो टाइप का लगा, या तो फोर्स अट्रैक्शन का था या तो फोर्स रिपल्शन का था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि देयर मस्ट बी टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, क्योंकि दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक अट्रैक्शन का होता है, दूसरा रिपल्शन का होता है। इसलिए चार्जेस भी दो टाइप के होने चाहिए, एक को पॉजिटिव नाम दे दिया गया और दूसरे को नेगेटिव नाम दिया गया। तो चार्जेस को डिस्कवर डूफे ने किया है कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये किसने बताया? डूफे ने। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तो ये बात बताई है कि चार्ज दो टाइप के होने चाहिए। तो दोनों में मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि हु डिस्कवर्ड चार्ज, तो आपका आंसर होगा डूफे। लेकिन चार्ज दो टाइप के होंगे ये किसने बताया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे। क्लियर होगी बात? तो हमारी बात यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि भाई जो डिस्कवरी की है वो थेल्स ने की है, और चार्ज की जो डिस्कवरी की है, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्कवरी की है वो थेल्स ने की है, चार्ज की डिस्कवरी की है वो डूफे ने की है। चार्ज दो टाइप के होने चाहिए ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एक को पॉजिटिव नाम दिया, दूसरे को नेगेटिव नाम दिया। और चार्ज क्यों दो टाइप का होता है? क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो टाइप के फोर्सेस को देखा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है इसका एक दूसरा नाम भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक नाम और है इसका, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी जो नाम दिया गया है ये थॉमस ब्राउन ने दिया है। किसने दिया है? थॉमस ब्राउन। एक्चुअल में क्या ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, और ये बातें हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, ये एक बेसिक ब्रीफ इसका एक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इसमें हमारी जो शुरुआत होती है वो चार्ज से होती है। व्हाट इज चार्ज? What is charge?